क्या आप लोगों को पता है जो पानी आसमान से बारिश बन के धरती पे गिरता है वो पानी आखिर आसमान में कहाँ से आता है, और अगर वो पानी आसमान में रुका रहता है तो फिर बारिश बन के कब और क्यों गिरता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बारिश कब क्यों और कैसे होती है इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आसमान में जो पानी होता है वो कहाँ से और कैसे पहुँचता है। हमारी पृथ्वी में कई सारी नदियाँ तालाब और समुद्र मौजूद हैं जिनमें पानी भरा है, तो इन्हीं नदियाँ तालाब और समुद्र में से पानी जो है आसमान तक पहुंचता है। लेकिन कैसे? जब जोर की गर्मी पड़ती है तब मिट्टी और पानी सब गर्म हो जाते हैं, और जब पानी गर्म होता है तो भाप बन करके आसमान की तरफ को चला जाता है। उदाहरण के तौर पे आप एक कुकिंग पॉट में थोड़ा सा पानी लीजिए और उस पानी को गर्म कीजिए। जैसे जैसे पानी गर्म होगा देखेंगे उस पानी में से भाप निकलने लगेगा। मतलब ये है पानी जैसे जैसे गर्म होता है तो पानी के कण जो है आपस में से दूर जाने लगते हैं और ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगते हैं। पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ये काफी हल्के होते हैं, जिस वजह से ये जो है भाप बन के आसमान की तरफ को चले जाते हैं। मतलब ये है गर्म पानी में से जो भाप निकल रहा होता है दरअसल में पानी के छोटे छोटे कण ही होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब नदियां तालाब और समुद्र का पानी गर्म होने लगता है तो भाप बन करके आसमान की तरफ को बहने लगता है। आसमान की तरफ हर 1000 फीट पे जो है तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, और जब ये भाप धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो वापस से तरल आकार में बदलने लगता है। और कई सारे पानी के छोटे छोटे कण जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ये काफी हल्के होते हैं, जिस वजह से बड़े ही आसानी से ये हवा में उड़ते रहते हैं, और इन्हें जो है बारिश की बूंद बनने के लिए कई सारे कणों को मिलकर के एक क्रिस्टल बनाना होता है। अब इन छोटे छोटे कणों को वापस से धरती पे आने के लिए लाखों कणों को मिलकर के एक क्रिस्टल बनाना होता है, और इन्हें क्रिस्टल बनने के लिए किसी ठोस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तब इस क्रिस्टल का आधार बनता है पृथ्वी के जंगलों के आग से निकलने वाले पार्टिकल्स, रेत के छोटे छोटे कण और सूक्ष्म जीव, और अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमीटराइट्स। बारिश कराने में ब्रह्मांड से आने वाले यही माइक्रोमीटराइट्स ही अहम भूमिका निभाते हैं। रोजाना लगभग 2000 किलो माइक्रोमीटराइट्स ब्रह्मांड से धरती की तरफ को आते हैं, और इनका आकार जो है इतना छोटा होता है जिस वजह से इन्हें काफी कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे ये माइक्रोमीटराइट्स धीरे धीरे बादलों के छोटे छोटे कणों में चला जाता है और क्रिस्टल बनने में मदद करता है। पानी के कण से मिलते ही कई सारे पानी के छोटे छोटे कण मिलकर के इसके इर्द गिर्द क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया दिन भर में अरबों बार होता है। और उसके बाद यही छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में मिलकर के एक बड़े से बर्फ का आकार ले लेते हैं, और जब बर्फ का वजन ज्यादा हो जाता है तब बर्फ जो है आसमान से धरती की तरफ को गिरने लगता है। जैसे जैसे बर्फ नीचे की तरफ को आता है वैसे वैसे तापमान बढ़ने लगता है और बर्फ जो है पिघलने लगता है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का रूप लेकर के बारिश बन के धरती पे बरसने लगता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया बारिश कैसे होती है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके का और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।